आपका मेरे चैनल वन द ऑलराउंडर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, अगर आपने मेरी पिछली वाली शॉर्ट्स वीडियो देखी थी जो मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स से बनाई थी, उसमें मैंने अपने स्ट्रिंग लॉन्चर का, होममेड स्ट्रिंग लॉन्चर का प्रीव्यू किया था, पर उस टाइम वो सिर्फ स्ट्रिंग लॉन्चर था। लेकिन अब गाइज, मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी और मेहनत करके इसे एक ग्रिप के साथ बना दिया है। देख सकते हैं, इसके नीचे ग्रिप लगा दिया मैंने इस टाइप से, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है पकड़ने में और अच्छा लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लगता है इसको पकड़ने में और लॉन्च भी काफ़ी पावरफुल हो रहा है। तो इसी की आज हम टेस्टिंग करने वाले हैं कि कितना अच्छे से चलता है, या क्या ये स्विच स्ट्राइक लॉन्चर से तेज़ चलता है या फिर ये स्विच स्ट्राइक लॉन्चर ज़्यादा पावरफुल है। तो आज हम वही टेस्ट करने वाले हैं। और गाइस, मैंने इसकी ग्रिप का नाम रखा है एम्परर फॉर्नियस ग्रिप, क्योंकि एम्परर फॉर्नियस के डब्बे से है। वैसे इसके साइड में तो ब्लडी लॉन्ग इन इसके डब्बे से भी बनाया मैंने, एम्परर फॉर्नियस ब्लडी लॉन्ग इन ग्रिप हो। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लॉन्च करने वाला हूँ एम्परर फॉर्नियस को, तो चलिए लॉन्च करके देखते हैं। 3, 2, 1, लेट इट हिट। तो गाइस, ये बहुत ही पावरफुल घूम रहा है। तो अब मैं एक बार एकिलीस को लॉन्च कर देता हूँ और बैटल देख लेते हैं कि कौन जीतेगा बैटल में। वो तो देख सकते हैं कि एकिलीस यहाँ हार चुका है, एम्परर फॉर्नियस जीत चुका है, रिंग आउट फिनिश करके एकिलीस यहाँ पर हार गया है। तो अब टेस्ट करने वाले हैं एकिलीस को, तो चलिए इसको भी जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। और गाइज, इसको लोड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, बस इसके जो ये है हमें यूँ घुमाना रहता है। अगर राइट स्पिन के लिए इसको हमें लोड करना है तो इस साइड को, और अगर लेफ्ट स्पिन के लिए तो इस साइड को। अभी मैं राइट स्पिन बेलेट के लिए कर रहा हूँ, जो कि प्लीज है, मैं इसको इस साइड को घुमाऊँगा। देखते हैं, लोड हो चुका है, बहुत ईजीली हो जाता है। तो अब हम करने वाले हैं एकिलीस को लॉन्च इससे। तो आप देखते हैं एकिलीस भी काफ़ी फास्ट हो गया। मैं जल्दी से फॉर्नियस को लॉन्च कर देता हूँ और बैटल देखते हैं। फॉर्नियस तो बाहर ही गिर गया। एक बार दोबारा करते हैं, एक बार मैं फिर से एकिलीस को लॉन्च करूँगा और फिर स्ट्राइक लॉन्चर से फिर मैं फॉर्नियस को लॉन्च करूँगा। तो गाइस, पहले मैं फॉर्नियस को लॉन्च कर देता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम है। 3, 2, 1, लेट इट हिट। 3, 2, 1, लेट इट हिट। यहाँ पे फॉर्नियस जीत गया है, क्योंकि एकिलीस ने पूरा अपना जो बैलेंस था वो खो दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाइस, मुझे ये बात पता लगी कि जब ये इसका जो पॉइंट था, पहले ये एक स्टैमिना टिप की तरह था, ऊपर इसका एक, ये देख सकते हैं, टिप टाइप थी, जिसकी वजह से एक स्टैमिना टाइप था। अब ये हल्की हल्की ना घिसनी शुरू हो गई है, जब ये पूरी तरीके से घिस जाएगी ना तो ये एक अटैक टाइप बन जाएगा, और अभी भी ये कभी कभी अटैक टाइप जैसे हरकतें करता रहता है। तो जब ये अटैक टाइप बनेगा तो मैं आपको इससे बैटल करके दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल हम अब करेंगे विनिंग वैल्की को चलाने वाले। गाइस, इसका बैटल मैं करवाने वाला हूँ ब्लडी लॉन्गिनस से, क्योंकि ये भी साइडों में घूम कर रहता है और विनिंग वैल्की भी साइडों में घूम कर रहते हैं, तो अटैक ज़्यादा होगा, तो वो देखने में बहुत मज़ा आएगा। और गाइस, देख सकते हैं मेरा लॉन्गिनस हल्का सा यहाँ से टूटने लगा है, देख सकते हैं यहाँ पे इसके 3 पॉइंट्स हैं और ये चौथे वाला टूट गया है, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो पूरे 4 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 ही है, यहाँ का ही पॉइंट टूट गया है, यहाँ पे 4 है। चलो कोई नहीं, इससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा।
तो चलिए इसे चलाते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो। गाइज दोनों ही स्टेडियम आउट हो चुके हैं। तो गाइज अब हम एक और बार करने वाले हैं, लेकिन इस बार मैं अकेलेस को लॉन्च कर रहा हूँ विनिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि जीत चुका है जो वैल्करी है, वो एक अटैक टाइप है, उसमें स्टैमिना नहीं है, जहाँ के अकेले में बहुत ज्यादा स्टैमिना है। चलिए अब हम ट्राई करने वाले हैं से लॉन्गिनेस के साथ, चलिए शुरू करते हैं। और गाइस जब मैं लॉन्गिनेस का बैटल करवाने वाला हूँ हमारे गाइस पैकनियर के साथ, तो पहले हम कर देते हैं गाइस पैकनियर को लॉन्च। 2, 1 3, 2, 1 गाइस देख सकते हैं बस 2 हिट्स में इसने नॉक आउट कर दिया है हमारे गाइस पैकनियर को। एक बार मैं फिर से करूँगा, लेकिन इस बार मैं विनिंग वैल्करी का इस्तेमाल करूँगा। तो गाइस मैं विनिंग वैल्करी को थोड़ा स्लो लॉन्च करूँगा, क्योंकि विनिंग वैल्करी स्टेडियम के बाहर निकल जाएगा अगर मैं उसे तेज़ लॉन्च करूँगा। तो स्लो लॉन्च करते हैं। थोड़ा स्लो चलाऊंगा, नहीं तो एब्जॉर्ब ट्रैक करके स्टेडियम के बाहर हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मैं इसको भी थोड़ा स्लो लॉन्च करूँगा। और गाइस गाइस ट्रैपने से मैं बैटल करने वाली हूँ, फर्स्ट बैटल चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस गाइस पैकनियर को बाहर उड़ा दिया है अकेलेस ने। एक बार फिर से ट्राई करेंगे और इस बार भी दोबारा से हम अकेलेस के साथ ही करेंगे बैटल। तो गाइस ये फाइनल बैटल होगा इस वीडियो का, तो प्ले करते हैं जल्दी से। 3, 2, 1 लेट इट गो। और आपको मेरा अगर आपको जानना है कि मैंने ये लॉन्चर कैसे बनाया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा जो पहले वाला लॉन्चर था वो मैंने बॉटिंग कैप से बनाया था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, बहुत इजी सा मैकेनिज्म था, बस मैंने उसी को लेकर इसके अंदर डाल दिया और ऐसे ऊपर से ऐसे इसकी शेप दे दी है जैसे स्क्रीन लॉन्चर लगाया है। और ग्रिप के अंदर मैंने सिक्के लगा दिए, उससे थोड़ा सा वेट आ गया उसके अंदर और इन दोनों को तोड़ दिया। और ग्रिप ऐसे अलग नहीं होती जैसे स्क्रीन लॉन्चर में होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।